पार्टी को रैली हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हर चुनाव में हम लोग कामराज के कुछ महाराज जी के नेतृत्व में निकालते हैं और रोड शो पुराना गोरखपुर खास करके है, ग्रामीण विधानसभा शहर विधानसभा को जो बांटता है उसी रोड करके फिर विजयपुर की समाप्ति होती है। और इससे अपन पब्लिक को मैसेज देना है, चुनाव अब 1 तारीख को है, कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे, तो इससे जो है पूरे क्षेत्र के जो बिहार से है इसमें भाग लेते हैं और पब्लिक को मैसेज दे देते हैं और खुद महाराज जी अपनी बात जनता के सामने रख देते हैं। आज के रोड शो में अमित शाह जी के आगे का प्रोग्राम था और किन वजह से गाँव से उनका कैंसिल हुआ, 2-3 दिन पहले ही कैंसिल हो गया था, तो यह कोई विषय नहीं, बहुत पार्टी बड़ी है, पूरा देश में चुनाव लड़ रही है, शीर्ष नेतृत्व में इससे कौन कौन है? योगी जी महाराज जी रहेंगे, इसके अलावा यहाँ और कोई नहीं, योगी जी महाराज रहेंगे, बाकी लोकल लोकल यहाँ के देखते हैं विधायक है, महापौर है और प्रत्याशी है ही। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाता को कि गोरखपुर के विकास को देखें, उत्तर प्रदेश के परिवर्तन को देखें कि उत्तर प्रदेश में कितना परिवर्तन योगी जी के राज में होता है, निश्चित है कहीं कोई बदल को खड़ा नहीं मिलेगा, योगी जी ने जितना परिवर्तन किया है और खास करके गोरखपुर में अगर इंसान होगा तो समझेगा कि योगी जी ने गोरखपुर को गोरखपुर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। रोज को हम लोग बहुत ऐतिहासिक है, चुनाव अपने चरम सीमा पर है, कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री रैली के स्वयं शामिल रहेंगे और उनका एक अलग अपना जनाधार है, उसके हिसाब से आज की रैली बहुत ही सफल होने वाली है और सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। कौन कौन बड़े लीडर यहाँ पे आज दिखेंगे? आज तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लोकल भी बड़े लीडर देखेंगे, सारे विधायकगण, सारे मंत्रीगण, सांसद प्रत्याशी सारे लोग रहेंगे। यही करेंगे, एक तरफ विकास एक तरफ विनाश, विकास को देखते हुए भाषा जनता पार्टी के प्रति मतदान करें, यही हम लोग की मांग है। धन्यवाद। महाराज जी यहाँ पे मुख्य रूप से है और प्रधानमंत्री इसलिए बनाना है देश में जो शक्तियां हैं जो देश को तोड़ने का काम करने की योजना बना रही है उनके बंधु के सफल हो, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया सके और जाप प्रभाव इस बार मोदी जी सरकार बने और भव्य जनता के समय है, क्योंकि हमें अपनी राष्ट्र देश को आगे बढ़ाना है, पूरे विश्व में हमें अपने देश को पूरा आगे बढ़ाते हुए विश्व के जो आगे उसको हमारा देश आगे बढ़े इसके लिए। पूर्वांचल की राजनीति आप भली भांति वाकिफ है और बड़ी आपकी पैनी नजर रहती है, भले पर्दे के पीछे है लेकिन आपकी नजर बहुत पैनी होती है, बांसगांव में जो विरोध हो रहा है या डुमरियागंज में जो विरोध हो रहा है या संतकबीर नगर में जो विरोध हो रहा है भाजपा के प्रत्याशी को उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई विरोध नहीं हो रहा है, ये तो काल्पनिक बातें हैं, जो बात कर रहे हैं क्योंकि ये विपक्ष के द्वारा फैलाई जाती है, कहीं से इसका विरोध नहीं। अभी तो सुन लीजिए, कुछ अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं साधु बन जाऊंगा, हिमालय पे चला जाऊंगा, उसके बारे में क्या? साधु बनना बहुत कठिन कार्य है और मंदिर के संबंध में रहते हैं, यहाँ पे गोरखपीठ के संबंध में रहते हैं, सभी लोग लगभग साधु बन जाते हैं कार्य करते हुए, उनके बाद ही अपने एक साधुवाद का कार्य होता है, लेकिन साधु बन के परिवार में अलग रह के कार्य करना वाकई ये कठिन कार्य है, तो इस बात को फील कर रहे होंगे कि हो सकता है परिवार में अलग रह के कुछ ज्यादा काम करना पड़ा। जो रोड शो होने वाला है माननीय योगी जी का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, योगी जी और मोदी जी की हवा चल रही है अब की बार 400 पार की, और ये रोड शो हमेशा जब विधानसभा का चुनाव होता है चाहे सांसद का चुनाव होता है तो यही टाउन हॉल से रोड शो अंतिम दिन होता है और इसके बाद पूरी फिजा बन जाती है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चलने लगती है। क्या वजह है अमित शाह साहब का प्रोग्राम कैंसिल हुआ? अमित शाह जी का प्रोग्राम कंफर्म नहीं था, अमित शाह जी का प्रोग्राम कंफर्म नहीं था,
और योगी जी का प्रोग्राम पहले से कंफर्म था, कैंसिल नहीं हुआ। अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य पार्टियों के बहन मायावती जी भी यहाँ पे आई हैं और अखिलेश जी भी आए हैं, राहुल जी भी आए हैं, लेकिन रुद्रपुर में उन्होंने किया यहाँ योगी जी काफी हैं सबके लिए, मगर यहाँ पर यहाँ योगी जी काफी हैं सबके लिए, योगी जी काफी हैं सबके लिए। जनता से क्या अपील करेंगे वोट के लिए? जनता से अपील करेंगे अधिक से अधिक संख्या में पहले मतदान फिर जलपान। आज का जो ये रोड शो हो रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? यह रोड शो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में ऐतिहासिक होगा और इस रोड शो के माध्यम से पूरे समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति जाकर के वोट दे, देश हित के लिए वोट दे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के आधार पर देश को गौरवशाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस नाते यह देश का चुनाव है या आम लोगों का चुनाव नहीं, इस नाते हम सभी से यही आग्रह करते हैं, यह रोड शो के माध्यम से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वह इस रोड शो के माध्यम से ऐतिहासिक बना करके और देश को जागरूक कर रहे हैं और हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को सर्वाधिक रूप में पसंद कर रहा है और उत्तर प्रदेश और पूरा देश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो देश और प्रदेश की जो गरिमा बढ़ी है उसके आधार पर पूरे प्रदेश और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी योगी आदित्यनाथ जी चाहता और जीत भी सर्वाधिक होने जा रही है 1 जून को और पूरी जनता योगी आदित्यनाथ जी महाराज को सर्वाधिक पसंद करने वाली जनता है। इस नाते मैं इस आप सभी के माध्यम से मैं पब्लिक से यही आग्रह करते हैं कि 1 जून को नरेंद्र मोदी जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बदला हुआ है, समाज को परिवर्तन करने का प्रयास हुआ है, आप सभी इसमें सहभागी बनने का प्रयास करें, यही मेरी आग्रह। अगर गोरखपुर की बात करें तो ये मंदिर की परंपरागत सीट रही है, तो अगर मंदिर की परंपरागत सीट है तो फिर इतना बड़ा रोड शो करने की क्या जरूरत है? योगी जी के नाम पर तो वोट ऑटोमेटिकली पड़ता है, निश्चित है। योगी जी हमेशा जनता के साथ रहते हैं और जनता के साथ के नाते ही रोड शो ऐतिहासिक हो रहा है और जनता योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ, इसलिए रोड शो भी ऐतिहासिक हो रहा है। योगी जी के तो नाम ही काफी है, योगी जी क्यों जरूरत है? हमेशा जरूरत है, यह देश और समाज को जगाने के लिए भी जरूरत है। क्या और भी शहरों में रोड शो होने वाले हैं? और भी शहरों में रोड शो हो हुआ है, कहीं अमित शाह जी के नेतृत्व में, कहीं मोदी जी के नेतृत्व में, कहीं योगी जी के नेतृत्व में, हर जगह रोड शो हो रहा है। आसपास के लोकसभा क्षेत्र में, आसपास के आपके बनारस में हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में रोड शो हुआ है, अन्य शहरों में भी जो हमारे प्रत्याशी है उनके नेतृत्व में कोई रोड शो नहीं हुआ। फिर अभी तो कल तक समय है, अभी 30 तारीख का समय है। उमरियागंज में भी नहीं हुआ? हुआ, कबीरनगर में हुआ, रोड शो नहीं हुआ? नहीं हुआ, रोड शो हुआ, हमें जानकारी है, रोड शो हुआ आज कुशीनगर में भी हुआ है, ऐसा नहीं, रोड शो नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जी की सभा हुई है, कहीं रोड शो हुआ है, कहीं सभा हुई है, ऐसा नहीं। आखिर क्या वजह है कि 2014 की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से ही शंखनाद किया था, 2019 में भी शंखनाद गोरखपुर से हुआ था, इस बार गोरखपुर को पार्टी की जो है पार्टी तय करती है कहाँ किसकी सभा होनी है, उसके आधार पर तय होते हैं। प्रधानमंत्री जी की बात करें तो 2014 में भी और 2019 में भी यही शंखनाद किया था उन्होंने। प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर में आए, सबको संदेश देकर के गए हैं, ऐसा नहीं, संदेश देकर के गए, पूरी कमिश्नरी को संदेश देकर के गए हैं प्रधानमंत्री जी, वो उसमें सब समाहित है। सर आपका शुभ नाम? अच्युतानंद साई, भारतीय जनता पार्टी महानिर्वाह मंत्री अच्युतानंद साई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो रोड शो हो रहा है, आप यहाँ पर 25 तारीख से यहाँ पर हैं गोरखपुर के अंदर और यहाँ की राजनीति देख रहे हैं, आज जो रोड शो हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गोरखपुर में मैं हूँ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक शानदार रोड शो यहाँ के बाजारों में भैया रविकिशन शुक्ल के लिए, जो वर्तमान में सांसद है और भावी सांसद है, उनके लिए आ रहा है। मुझे फोन चल गया हूँ, कपिल अग्रवाल मेरा नाम है, पासी विधायक हूँ,
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हूँ और उस नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई काम करने के लिए, तो क्या कहता है उसे समन्वय बना बातचीत करके मैं भी लगातार यहाँ परिश्रम कर रहा हूँ और इतना शानदार रोड शो और व्यापार में लगातार पैदल आ रहा हूँ, व्यापार से बातचीत करता हुआ इतनी शानदार तैयारी लोग हृदय से दिल की गहराइयों से गुब्बारे लगाए, पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, चाय की, आइसक्रीम की व्यवस्था की है, लोग साड़ियां बांट रहे हैं, पटके बांट रहे हैं, जितने बात हुआ है वो शानदार तरीके से योगी जी के आगमन के लिए अलग पावड़े बिछा करके उनके अभिनंदन करने के लिए स्वागत के लिए तैयार है। श्री रविकांत शुक्ल जी वो दफ्तर तैयार रहेंगे, वो यहाँ से विजय होने वाले, भारी मतों जीतने वाले हैं और मुझको लगता है गोरखपुर की सीट ये पूरे तो उत्तर प्रदेश के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है ऐसा मुझको लगता है। मैं चाहता हूँ कि अगर इतना विश्वास है तो फिर रोड शो की जरूरत क्या है? नहीं रोड शो ये क्या, फिर तो चुनाव ही नहीं होना चाहिए, फिर तो प्रचार भी नहीं करना चाहिए। रोड शो की आशा एक चीजें हैं कि लगातार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने आशीर्वाद दिया, शारदा सांसद बनाया, योगी विधायक बनाया, योगी जी ने रवि किशन जी को दूसरी बार सांसद बना रहे हैं। योगी जी ने जब यहाँ से चुनाव लड़ा था तो एक दिन उन्होंने जनसभा किया और उसके बाद वो नहीं थे, फिर भी वो 1,25,000 वोट से जीते थे। अच्छी बात, तो ये अब रवि किशन प्रत्याशी है और बात चुनाव जीते नहीं है, मेरे आपको सर्वाधिक मतों से जीते गोरखपुर में, सर्वाधिक मतों से जीते पूरे उत्तर प्रदेश में, इसलिए रोड शो कर रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति छूट न जाए। और मेरा आपके माध्यम से ये मेरा निवेदन है गोरखपुर के लोगों से, पूरे जो ये पूर्वांचल है जहाँ लोकसभा का चुनाव 1 तारीख को होने वाला है, अधिक से अधिक मतदान करो, किसी का मत छूट न जाए जो कमल के फूल पर चलना जाए। कैसे मैं आप इस चुनाव को बड़े पहली नजर से देखते हैं और आप पूरा यूपी देख रहे हैं और हर जगह आपकी उपस्थिति होती है योगी जी के साथ, यूपी का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं और 80 में से कितनी सीट आती हुई नजर आ रही है? देखिए हम लोग चुनाव में पिछले 3 महीने से लगातार यात्रा कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हर जगह व्यवसायी व्यापारी तमाम वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं और अभी अंतिम चरण आ गया है। आज ही इस अंतिम चरण का सबसे शानदार दिन होगा जब लाखों की संख्या में लोग इस रोड शो में जनता उभरने जा रही है। ये रोड शो केवल गोरखपुर के लिए नहीं है, ये रोड शो पूरे पूर्वांचल को ये दिखाने जा रहा है कि कितनी बड़ी ताकत है मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों के, मुख्यमंत्री जी के कार्यों की और उनकी उपलब्धियों की, इस सरकार की उपलब्धियों का एक पैमाना ये रोड शो देने जा रहा है। और इस रोड शो में जो संख्या आएगी और जो जिस प्रकार यहाँ महाराज जी का स्वागत होने जा रहा है, मुख्यमंत्री का स्वागत होने जा रहा है, इसका असर जितनी पूर्वांचल की 20 सीटों पे पड़ने जा रहा है। आप देखेंगे कि 20 में से 20 सीट हम लोग उम्मीद है पूर्वांचल की जो अभी आखिरी फेज में पोल होगी 1 जून को, उस पर इसका असर पड़ेगा और सब हम जीत के आएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि 80 में से 80 नहीं तो 80 में से 70 से 75 सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप सब हम लोग मंत्री माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के साथ इस पूरे रोड शो के जो रूट है, करके 2 किलोमीटर का रूट है, 2.5 किलोमीटर का, उस पर लोग पैदल यात्रा करते आ रहे हैं। जगह जगह 200 स्थान पर तमाम व्यवसायी संगठन, हर प्रकार के संगठनों ने अपने अपने मंच लगाए हुए हैं, नगाड़े ढोल से स्वागत हो रहा है और ये रोड शो उत्तर प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक रोड शो बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर का माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने शहर का रोड शो है। आपने ये जो भाजपा का नारा है आपकी बात 400 पार होता हुआ दिख रहा है क्या? 100 पार सर, पूरा देश कह रहा है, ये आम जनता के बीच में जाइए, आम जनता कह रही है। और जिसने ये नारा दिया वो ऐसे नहीं दिया, धरातल के कामों को देख के सब कुछ सोच समझ के और तब जाके आज 400 बार का नारा दिया गया। और 400 नहीं, अब तो उन्हें 398 ही चाहिए, वो तो हम पहले से ही पा चुके हैं। तो सिर्फ 400 ही आपको चाहिए? 400 पार की बात जो हो रही है उसमें 2 हमको मिल चुका है। मैं कह रहा हूँ कि 398 की आवश्यकता, 398 और 2 जोड़ेंगे तो 400 तो पार पार का हुआ, पार वो होना ही होना। ये मैं एक बात जो 400 की बात कर रहा है, विपक्ष 400 की बात जो दोहरा रहा है, वो विपक्ष आज तक इसी बात को कम से कम सोचिए ना कि विपक्ष के जवान पे 400 सीटों की बात तो आई,
400 सीट की बात अगर विपक्ष करने लगा तो कहीं ना कहीं मन में तो है, विपक्ष 200 भी कर सकता था, विपक्ष 100 भी कर सकता है, विपक्ष कुछ भी कर सकता है, लेकिन 400 बात को बार बार विपक्ष दोहरा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। ये भी कहना है कि 400 पार अगर हो जाएगा तो संविधान को बदल दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, पूर्ण बहुमत के साथ हम पिछली बार भी रहे, उसके पहले भी रहे, लेकिन क्या 2014 के बाद से लेके और अब तक हमारे पास पूर्ण बहुमत था? जो चाहते अगर गलत करना तो कर सकते थे, तब तो किए नहीं। अब ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई है कि संविधान खतरे में पड़ गया? यही मेरे समझ में बदलने के लिए एक जादुई आंकड़ा है 407 का, अगर वोट टच होता है तो, क्योंकि 1984 में 405 सीट कांग्रेस के पास थी, इसलिए वो उसको चेंज नहीं कर पाए। आप 400 पार की बात कर रहे हैं तो आइए अंदेशा जाए कि 407 रहा मोदी जी का, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री 3 बार रहे, हर बार वृद्धि के साथ उन्होंने सीटें पाई। गुजरात में आप लोगों को पता होगा कि 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, पहली बार जितना उनको सीट थी उससे बढ़ के मिली दूसरी बार, और दूसरी के बाद तीसरी जब वो लड़े तो वो भी बढ़ के आई, और यही लोकसभा के अंदर हुआ। जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो सीटें और दूसरी बार की जो सीटों का अंतर था वो बड़ा हुआ था, और अब की 400 पार होना ही होना है, और कहीं कोई संविधान का इसमें मामला नहीं है। अगर विपक्ष कहता है कि संविधान को बदलने की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस पूरा देश गारंटी के रूप में मानता है, और वो बार बार कह रहे हैं कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है, उनके रहते तो नहीं होना। हमारे समझ से परे की चीज है, विपक्ष के पास है क्या? विपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है जिससे वो सामना कर सके। उनके पास यही भूल जरूर बातें हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, नहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। आप क्या करेंगे वोटों से? मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूँ कि पहली तारीख को वो घर से निकले, क्योंकि मतदान ही सबका अधिकार है, और मतदान से वो एक अच्छे समाज का निर्माणकर्ता को खोजेगा। तो मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ, निर्माणकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद दिखा दिया कि देश किस तरह से चलेगा, और ये बता दिया इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ यहाँ के वोटरों से कि वोट देने के लिए निकले और अपने मत का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में बनावे। यहाँ से रवि किशन जी को मजबूती के साथ ऐतिहासिक मतों से विजयी बनावे, और देश में दिल्ली में फिर से एक बार मोदी जी समझ लेते नजर आवे, और पूरा देश इस विश्वास के साथ कि मोदी जी के विश्वास के साथ फिर से 4 तारीख को अपना मत देके और एक ऐतिहासिक निर्णय देने जा रहा है। एक आखिरी सवाल, 2014 में जब मोदी जी ने शपथ लिया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो 75 साल का बीजेपी में हो जाएगा उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। 17 सितंबर को 75 साल उनका पूरा हो रहा है, तो क्या ये मान करके चले कि 17 सितंबर को कोई नया प्रधानमंत्री हमको तो देखने को मिलेगा? देखिए, और अगर देखने को मिलेगा तो कौन वो चेहरा होगा? देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी बड़े नेता लोग कहते रहे कि कोई इस तरह की बात नहीं है। यहाँ तक कि राजनाथ जी ने कहा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये विषय कमेटी का है, ये विषय बड़े नेताओं का है, हम लोगों के लिए तो ये सबसे अच्छी चीज है कि मोदी जी जब तक जिंदा रहे तब तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। प्रधानमंत्री ने ये बात कही है और वो अपनी बात, मैंने कहा ना कि हम कार्यकर्ताओं की, हम जनता की ये इच्छा है कि मोदी जी जब तक जिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये मेरी इच्छा है, अगर एक प्रधानमंत्री ने यूके की है उसके बारे में, मैंने कहा ना ये मेरी इच्छा, आप पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री की इच्छा, आप उनसे नहीं पूछ रहा। और अगर मेरी इच्छा जानना चाहते हैं, लोगों की इच्छा जानना चाहते हैं, जनता की इच्छा जानना चाहते हैं, जीवन भर जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों को देखना चाहते हैं, ये हम लोगों की इच्छा। आपका शुभ नाम? धनंजय सिंह शुक्ल, मैं पार्षद नगर निगम।